मॉर्निंग। आज हम लोग का पूरी में सेकंड है और अभी हम लोग जस्ट उठे हैं, फ्रेश हुए हैं। बगल में देखिए, पीछे यहाँ से चाय पिए हम लोग। और अभी हम लोग का ये प्लान है आज का कि यहाँ से पहले हम लोग को जाना है ब्लू फ्लैग बीच को एक्सप्लोर करना है, जो अप्रॉक्स यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। और उसके बाद फिर हम लोग कोणार्क के लिए निकलेंगे। तो पहले हम लोग ब्लू फ्लैग जाएंगे, उसके बाद कोणार्क के लिए इसी रास्ते से कोणार्क के लिए जाएंगे। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो फ्रेश हो रहे, आ रहे हैं नीचे। तो मिलता हूँ आपको ब्लू फ्लैग बीच पे। और ये देखिए, हम लोग ब्लू फ्लैग बीच के अंदर इंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे पार्किंग का चार्जेस है, अगर आप बाइक लेके आ रहे हैं तो 10 रुपीज़ पर बाइक है और 20 रुपीज़ पर पर्सन। जब आप ब्लू फ्लैग बीच इंटर करेंगे तो यहाँ से अपना टिकट ले सकते हैं। 20 रुपीज़ एक आदमी का है और नहाने के लिए 50 रुपीज़ चार्ज किया गया है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे किस किस चीज़ का क्या क्या प्राइस है वो सारा इस बोर्ड में मेंशन है। तो आप अच्छे से देख लें और एक बार गोल्डन बीच ज़रूर विज़िट करें। और ये देखिए, वे टू बीच। और मेरे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं बीच पे। गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग बीच भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग ब्लू फ्लैग बीच में हैं, जो पूरी सिटी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एंट्री करने का 20 रुपया पर पर्सन चार्ज किया जाता है और पार्किंग के लिए अलग से 10 रुपया। तो बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है और बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोग को ये मॉर्निंग में यहाँ पर वाइब लेके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए अलग अलग सीटिंग पोस्चर बनाया गया है लकड़ी का, जो बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है उसका। और मैं आपको ब्लू बीच का समुंदर दिखाता हूँ कि क्या समुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत समुंदर है और वहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और जब आप समुंदर में नहा के आते हैं तो यहाँ पे एक शावर हाउस बनाया गया है जो चार्जेबल है। तो वहाँ से जब आप नहा के आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर नहाना होगा। और इसका कॉस्ट नहाने ही में इंक्लूड है, जो 50 रुपया पर पर्सन चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शावर रूम बनाया गया है। और ये देखिए, ये ब्लू फ्लैग बीच, जिसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है, उसका ये मैप है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ पे कौन चीज़ कितने दूरी में है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। और ये देखिए, आप 20 मीटर्स तक ही जा सकते हैं पानी में। और ये आप देख सकते हैं कि इस ब्लू फ्लैग बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाया हुआ है, यही ब्लू फ्लैग का साइन होता है, ब्लू फ्लैग बीच का। और ये देखिए, एक छोटा सा फार्मिंग है यहाँ पे बीच के किनारे। और ये बीच इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, यहाँ पे बीच के बारे बहुत सारे चीज़ बताया गया है यहाँ पे। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी उड़ीसा में, उसके बारे भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ देखिए, बीच के साथ यहाँ पे बच्चे लोग का एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है। और उसके पीछे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का
नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है गोल्डन ही रेस्टोरेंट करके कुछ होगा। और वहाँ पे जब आपको भूख लगे तो वहाँ पे जाके अपना पेट पूजा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है। और अब हम लोग ब्लू फ्लैग बीच घूमने के बाद अब हम लोग कोणार्क जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, क्या रास्ता के नज़ारे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोणार्क का पूरा सैर कराऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।